नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। रीवा जिले में सुहागी थाना अंतर्गत तेयोथर कस्बा स्थित 3 सराफा दुकानों में चोरी का प्रयास असफल हो गया है। पुलिस के मुताबिक दिनभर पागल बनकर घूमने वाला युवक आधी रात शटर का ताला तोड़ रहा था, तभी दुकान के अंदर सो रहे परिजनों की नींद खुल गई। ऐसे में डरकर बदमाश भाग गया, फिर समीप की दुकान में जाकर सो गया। वारदात से बाद सराफा कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखे, तब व्यापारियों ने चोर को पहचान लिया। संदिग्ध चोर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो वह शातिर बदमाश निकला। उसके खिलाफ डबौरा थाने में 4 चोरी के प्रकरण दर्ज है। ऐसे में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तेयोथर चौकी प्रभारी शिवांगी गर्ग ने बताया कि 20 नवंबर को आधी रात करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच चिल्ला बाजार के 3 सराफा दुकानों में ताला चटकाने की कोशिश असफल हो गई। शटर का ताला तोड़ने की आवाज सुनकर अंदर सो रहे सराफा कारोबारी की नींद खुल गई। ऐसे में तुरंत पड़ोसियों की सूचना दी, तब तक चोर भाग गया। डबौरा का है रहने वाला व्यापारियों की शिकायत पर सीसीटीवी खंगाले गए हैं, जिसमें आरोपी राघवेंद्र मिश्रा 28 वर्ष निवासी घुमन गौर थाना डबौरा हाल चिल्ला बाजार दिखा है। आसपास के लोगों ने बताया कि शातिर बदमाश दिन भर पागल बनने का नाटक करता था, लेकिन रात होते ही चोर बन जाता था। अगर समय रहते व्यापारी ने परिवार की नींद नहीं खुलती तो बड़ी वारदात कर देता।